दोस्तों, क्या आप जानते हैं हर साल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें हार्ट डिजीज की वजह से होती हैं। ऐसे में आपके और हमारे लिए अपनी दिल की सेहत का ख्याल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो द सेम अप्लाइज ऑन आवर हार्ट ऑल्सो। तो इस वीडियो में आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, जहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी दिल की सेहत का ख्याल रख सकते हैं और अपने दिल को साउंड, हेल्दी और फिट बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सलीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा। दोस्तों, आज मैं आपको 7 ऐसे पावरफुल तरीके बताने वाला हूं, जो अगर आपने अपना लिए तो आप अपने हार्ट की सेहत का बहुत अच्छी तरह ख्याल रख सकते हैं और अपने दिल को स्ट्रांग और हेल्दी बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है एक्सरसाइज। हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज हमारे फिटनेस के लिए कितनी ज़रूरी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा निग्लेक्टेड होती है। हम लोग जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं और एक्सरसाइज की रूटीन को अगर कभी शुरू भी करते हैं तो कुछ ही दिन में उसे गिव अप भी कर देते हैं। दोस्तों, जैसे हमारी स्केलेटल मसल्स को एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमारे हार्ट को स्ट्रांग बनाने के लिए भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने हार्ट को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो कम से कम 30 मिनट रोज़ाना आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। हम लोग आमतौर पर दूसरों को फॉलो करते हैं, दूसरों को देखते हैं। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे डॉक्टर सलीम ने सजेस्ट किया है कि ये फला फला एक्सरसाइज करो तो हम वही करेंगे। नहीं, ये गलत तरीका है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उस रूटीन को कभी भी लॉन्ग टर्म तक फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट है आप उसको फॉलो करिए। आप किसी के कहे में मत आइए, किसी की वीडियोस देखकर या किसी का रूटीन देखकर आप उसको फॉलो मत करिए, अगर आप अपने रूटीन को लंबे समय तक फॉलो करना चाहते हैं तो। अगर आपको साइकिलिंग में इंटरेस्ट है तो साइकिलिंग करिए, रनिंग में इंटरेस्ट है तो रनिंग करिए, स्विमिंग में इंटरेस्ट है तो स्विमिंग करिए, क्रिकेट आप खेलना चाहते हैं क्रिकेट खेलिए, कुछ भी करिए, लेकिन अपनी बॉडी को मूवमेंट दीजिए। हार्ट को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है अपनी हार्ट बीट को एक पर्टिकुलर लेवल तक लेकर जाने की। कार्डियो एक्सरसाइज करते टाइम हमारा जो फोकस होता है वो होता है अपने हार्ट बीट को बढ़ाने का। हर किसी की हार्ट बीट को बढ़ाने का एक लेवल होता है, एक मैक्सिमम लेवल होता है, जिससे ऊपर आपको अपनी हार्ट बीट कभी भी लेकर नहीं जानी है और अपने आप को ओवर एक्सर्ट नहीं करना है। अब वो मैक्सिमम लेवल आपको कैसे पता चलेगा, उसका एक बहुत ही आसान सा तरीका है, एक फॉर्मूला है जो आप नोट कर सकते हैं। जितनी भी आपकी एज है, 220 से उस एज को माइनस कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 40 साल एज है तो आप 220 माइनस 40 अगर करेंगे तो 180 आपको एक नंबर मिल जाएगा। ये वो नंबर है जहाँ तक आप अपनी पल्स रेट को मैक्सिमम ले जा सकते हैं। इससे ऊपर अपनी हार्ट रेट को ले जाना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 180 तो मैक्सिमम लेवल है, तो हम किस लेवल तक अपनी हार्ट बीट को लेकर जाएं? तो इसके लिए जो भी आपका मैक्सिमम हार्ट रेट है उसका 55-80% तक आप अपनी हार्ट बीट को लेकर जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी 40 एज में हमारा जो मैक्सिमम हार्ट रेट आ रहा था वो 180 आ रहा था, तो 180 का 55% अगर आप करेंगे तो लगभग 90 के आसपास आएगा, और अगर 180 का 85% आप निकालेंगे तो लगभग वो 150 के आसपास आएगा। यानी कार्डियो एक्सरसाइज करते टाइम जो आपकी हार्ट बीट होनी चाहिए वो कम से कम 90 और ज़्यादा से ज़्यादा 150 होनी चाहिए। आजकल बहुत सारे हार्ट ट्रैकर्स आ रहे हैं, एक्टिविटी ट्रैकर्स आ रहे हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने हार्ट बीट को मॉनिटर करने के लिए। जितनी ज़्यादा और जितना इंटेंस वर्कआउट आप करेंगे आपकी हार्ट की सेहत के लिए वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरी अच्छी चीज़ जो आप अपने दिल की सेहत के लिए कर सकते हैं वो है स्मोकिंग क्विट करना। दोस्तों, टोबैको जो होता है वो कार्डियोटॉक्सिक होता है और ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपके दिल पर करता है। तो अगर आप अपने दिल की सेहत को अच्छा रखना चाहते हैं और अपने आप को आने वाले समय में हार्ट डिजीज से बचाना चाहते हैं तो आज ही स्मोकिंग क्विट कर दीजिए।
स्मोकिंग आपकी आर्टरीज और आपके ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी को भी कम करता है और कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस का ये एक बहुत मेजर फैक्टर हो सकता है। तीसरी चीज जो आप अपने दिल की सेहत का ख्याल रखने के लिए कर सकते हैं वो है वेट लॉस। अगर आप ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, तो कोशिश करिए अपने वेट को नॉर्मल रेंज में लाने की। एक इंसान के लिए उसका जो नॉर्मल वेट होता है वो होता है उसकी हाइट इन सेंटीमीटर्स माइनस 100। ये एक जनरल फॉर्मूला है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी 180 सेंटीमीटर हाइट है तो आपका जो टारगेट वेट होना चाहिए वो 180 माइनस 100 80 केजीज के आसपास होना चाहिए। इससे 2-4 किलो ऊपर या 2-4 किलो नीचे भी आपका वेट हो सकता है। चौथी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी डाइट। अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों को शामिल करिए जो हार्ट हेल्दी होती हैं, जैसे कि आपके खाने में अगर आप रिफाइंड यूज़ करते हैं तो उसको हटा दीजिए, उसकी जगह आप सनफ्लावर ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं। रिफाइंड ऑयल से जहाँ तक हो सके दूर रहिए, रिफाइंड फूड से दूर रहिए, ऐसी चीज़ों से दूर रहिए जो सैचुरेटेड फैटी एसिड से भरपूर होती हैं, ऐसी चीज़ों से दूर रहिए जिसमें ट्रांस फैट्स होते हैं, ऐसी चीज़ों से दूर रहिए जो आपके मोटापे को बढ़ाती हैं, ऐसी चीज़ों से दूर रहिए जो आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करती हैं। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग, चॉकलेट हम सबको बहुत पसंद होती है और चॉकलेट आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया चीज हो सकती है, स्पेशली डार्क चॉकलेट अगर आप यूज करते हैं तो। चॉकलेट में कोको पाया जाता है जो कि एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसके साथ साथ चॉकलेट आपकी ब्लड क्लॉटिंग फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको नज़रअंदाज नहीं करनी है वो है चॉकलेट की क्वांटिटी। जी हाँ, अगर अच्छी है चॉकलेट इसका मतलब ये नहीं है आप पेट भर के खाएंगे। चॉकलेट आप डेली खा सकते हैं लेकिन ऑलवेज इन मॉडरेशन। अब ये एक ऐसी हैबिट है जो आपको अडॉप्ट करनी बहुत ज़रूरी है, ओवर ईट कभी मत करिए। ओवर ईट करने से होता क्या है, ओवर ईट करने से सबसे पहले तो आपका वज़न ही बढ़ता है, वो आपको पता ही है। इसके अलावा जब आप ओवर ईट करते हैं तो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो आपके हार्ट की तरफ जाने के बजाय आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ ज़्यादा ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे आपकी हार्ट की फंक्शनिंग पर असर पड़ता है। इसके साथ साथ ओवर ईट करने की वजह से आपके जो हार्ट की रिदम है वो रेगुलर हो सकती है, आपकी हार्ट बीट बढ़ सकती है जो कि एक एक्स्ट्रा प्रेशर और एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस आपके हार्ट पर डालती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंट्रोल योर स्ट्रेस। आप जानते हैं स्ट्रेस अगर इंसान को होती है तो बॉडी में हमारी 1400 तरह के बायोकेमिकल अल्ट्रेशंस होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। स्ट्रेस एक ऐसी साइकिल है जो अपने आप चलती रहती है। अगर आप अपनी स्ट्रेस को टाइमली कंट्रोल नहीं करते हैं तो वो स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ती जाती है और ये साइकिल चलती ही चली जाती है। स्ट्रेस की वजह से आप ओवर ईटिंग करते हैं जिससे आपका वेट गेन होता है और बहुत सारी बीमारियां आपको लगती हैं। स्ट्रेस की वजह से आपका हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, आपको एंजाइना हो सकता है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ एक स्ट्रेस की वजह से आपको हो सकती हैं। तो अगर आप अपने हार्ट का ध्यान रखना चाहते हैं, अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, अपने आप को दिल की बीमारियों से दूर रखना चाहते हैं तो अपनी स्ट्रेस को मैनेज करिए। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपनी स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए फिर कभी एक प्रॉपर वीडियो हम बनाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसी पर फोकस करते हैं, क्योंकि हम स्ट्रेस से बचने के तरीकों पर अगर बात करने लगेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों, ये 7 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपका हार्ट हेल्दी रहे और आप दिल की बीमारियों से बचे रहे हैं तो इन तमाम पॉइंट्स को आपको अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में अडॉप्ट करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो से कुछ नया कुछ अच्छा सीख सकें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस टाइम से आप लोगों को मिल जाए। मैं डॉक्टर सलीम आपसे लेता हूं इजाज़त इस वादे के साथ कि आपसे बहुत जल्द मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय।